I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And the lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations. Do subscribe my channel. And today I am going to discuss a very important theory of personality, that is Carl Rogers' theory of personality. So let's start. Carl Rogers. हम लोग व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं. व्यक्तित्व में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ लिया और हम लोगों ने फ्राइड की थ्योरी पढ़ी पर्सनालिटी पे. फ्राइड की थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है और बहुत पूछी जाती है और बहुत हमें आंदोलित भी करती है. बहुत हमको मजा आता है उसको जान के कि ऐसी भी बातें कही गई हैं. बहुत उस पर रिसर्चेस हुई हैं, बहुत उसके क्रिटिक्स हैं. और हम लोगों को बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है जिसमें से फ्राइड हैं, रोजर्स हैं, कैटल हैं, आइजेंक हैं और इरिक्सन हैं. तो जिसमें से आज कार्ल रोजर्स को मैंने पिक किया है. तो कार्ल रोजर्स कौन थे? कार्ल रोजर्स वाज़ ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट. हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि ये मानवतावादी मनोविज्ञानी हुए हैं. हु एग्रीड विद द मेन अजम्पशंस ऑफ अब्राहम मैस्लो. शायद ही कोई स्टूडेंट हो, इंडिविजुअल हो, किसी भी डिसिप्लिन का हो, लेकिन वो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी जरूर पढ़ता है. वो मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, एजुकेशन में पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है, एवरी डिसिप्लिन आई कैन थिंक ऑफ कि हम अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ते हैं. क्या है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी? कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी उन्होंने बताई कि कई नीड्स हैं, उनके थ्रू होके आदमी गुजरता है, हायरार्की की है, हायरार्किकली अरेंज्ड है, और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को पा सके. तो कार्ल रोजर्स भी मानवतावादी मनोविज्ञानी हुए हैं और वो बहुत सहमत रहे कि अब्राहम मैस्लो जो बातें कर रहे थे. ही बिलीव्ड दैट ह्यूमंस हैव अ बेसिक मोटिव. वो भी विश्वास करते थे कि जो मनुष्य है उसका एक बेसिक मोटिव होता है, दैट इज द टेंडेंसी टू सेल्फ एक्चुअलाइज, जैसा कि अब्राहम मैस्लो कह रहे थे, दैट इज टू फुलफिल वंस पोटेंशियल, ताकि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको हम पूरा कर सकें एंड अचीव द हाइएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंगनेस वी कैन. और जो मनुष्य होने के नाते जो मनुष्यत्व का जो उच्चतम स्तर हम प्राप्त कर सकते हैं वो हम प्राप्त कर सकें, ऐसा एक बेसिक मोटिव ह्यूमंस के अंतर्गत होता है. ये इन्होंने लिया था अब्राहम मैस्लो पे और इस पे ये भरोसा करते थे, इसीलिए ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं. रोजर्स रिजेक्टेड द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ बोथ साइकोएनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म. मतलब इनके पहले और बाद में भी मनोविज्ञान पे बातचीत करने वाले लोग थे, लेकिन ये व्यवहारवादियों से भी को भी इन्होंने रिजेक्ट किया और इन्होंने फ्रायड की साइको एनालिसिस को भी रिजेक्ट किया. क्यों? क्योंकि ये कहते थे साइको एनालिसिस जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है बहुत, और बिहेवियरिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यवहार की बात करती है, साइको एनालिसिस सब कुछ अचेतन की बात करती है, जबकि ऐसा नहीं है. एंड मेंटेन दैट वी बिहेव एज वी डू. वो कहते थे कि हम वैसा बिहेव करते हैं, एज वी बिहेव एज वी डू, जो हम करते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं, बिकॉज ऑफ द वे वी परसीव अवर सिचुएशन. और उस पर भी सबसे ज्यादा इम्फेसिस किस पे है कि हम किस तरीके से सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं, उसी तरीके से हम बिहेव करते हैं, वही काम हम करते हैं, एज नो वन एल्स कैन नो हाउ वी परसीव, वी आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑन अवर सेल्स. वो कह रहे हैं कि कोई भी और नहीं बता सकता है कि हम चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं. ये एकदम पर्सनल है, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है. कोई भी दुनिया में नहीं जान सकता है कि किसी घटना को मैंने कैसे परसीव किया, ठीक है? इसलिए हम जो होते हैं हमारे बेस्ट एक्सपर्ट होते हैं, हमारे बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स. देन क्या है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसकी कार्ल रोजर्स बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि द ऑर्गेनिज्म हैज वन बेसिक टेंडेंसी. वो कह रहे हैं कि ह्यूमन है, ऑर्गेनिज्म है, उसका एक बेसिक नेचर है, बेसिक उसकी प्रवृत्ति है कि वो क्या करना चाहता है, स्ट्राइविंग टू एक्चुअलाइज, मेंटेन एंड एनहेंस द एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो जीव है वो चाहता है कि वो बना के रखे और बढ़िया करे और बेहतर करे, बेहतरी की तरफ वो अग्रसर होना चाहता है. ये एक बेसिक टेंडेंसी ह्यूमन बींग की होती है. फिर क्या कह रहे हैं ये? Believed that for a person to achieve self-actualization, वो कह रहे हैं कि अगर हमको self-actualization की स्टेट को प्राप्त करना है तो क्या होगा? They must be in a state of congruence. Congruence की बात ये करते हैं, वो कहते हैं कि एक साम्य की स्थिति होनी चाहिए. किसके किसके बीच में साम्य होना चाहिए? This means that self-actualization occurs when a person's ideal self is congruent with their self-image या actual behavior. देखिए, हम सभी
अपने बारे में कुछ विचार रखते हैं, हमें लगता है कि हम इस तरीके के इंसान हैं, हमें लगता है कि हम बहुत सच्चे हैं, बहुत हम अच्छे हैं, हम बहुत यू कैन से हार्ड वर्कर हैं, हम बहुत डिसिप्लिन हैं, हम बहुत पंक्चुअल हैं, हम बहुत चीजों को सीरियसली लेते हैं, इस तरीके का एक आइडियल सेल्फ, एक हम अपने बारे में विचार रखते हैं। और एक है एक्चुअल सेल्फ या सेल्फ इमेज, या जो हम एक्चुअली बिहेव करते हैं। और सेल्फ इमेज कैसे बनती है? लोगों के परसेप्शन से बनती है, जैसे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मान लीजिए कि मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूं, मान लीजिए, ओके, लेकिन बाकी जो सेल्फ इमेज बनी है वो मैं किसी कोई लोग मतलब इस तरह से बात करते हैं कि नहीं, तुम चीजों को सीरियसली नहीं लेती हो, या तुम अच्छे से काम नहीं करती हो, या तुम मन से नहीं लगा के काम करती हो, तुम कठिन मतलब मेहनत से नहीं करती हो, तो क्या होगा कि मैं तो मान रही हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँ, लेकिन जो इमेज बन रही है वो बार बार ये हमको डिस्टॉर्ट कर रही है मेरी इमेज को, कि वो कह रही मैं हार्ड वर्कर नहीं हूँ। तो क्या होगा? साम्य की स्थिति नहीं बनेगी, और जब साम्य की स्थिति नहीं बनेगी तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट भी नहीं आएगी। इट इज purpose of each person to seek congruence या balance, है ना, कह रहे हैं कि व्यक्ति का ये उद्देश्य है कि वो balance बना के रखना चाहता है। तीन areas हैं उसकी ज़िंदगी के। The balance is achieved with self-actualization. Self-actualization से ही balance बनेगा। और तीन कौन-कौन से area हैं? Self-worth, self-image और ideal self। इन तीनों की बातें आगे होंगी। Self-worth, हम अपने आप को क्या मूल्य देते हैं, क्या हमारी इमेज है, और हम आदर्श रूप में क्या है। ये देखिए ये यहाँ पे कहाँ गया कर्सर, ये कहीं टच नहीं कर रहा है, कहीं ओवरलैप नहीं कर रहा। सेल्फ वर्थ अलग जा रही है, सेल्फ इमेज कहीं अलग है, आइडियल सेल्फ हमारा कुछ अलग है। तो ये स्टेट कौन सी बनी? इनकॉन्ग्रुएंस, यानी कि साम्य यहाँ पर नहीं है। और जब तक साम्य नहीं होगा तब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा। जब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा तब तक जो ऑर्गेनिज्म है वो बेहतरी की तरफ, उच्चतम स्तर को अपने नहीं प्राप्त कर सकता है। और कॉन्ग्रुएंट स्टेट कब आएगी? जब देखिए सेल्फ वर्थ का कुछ हिस्सा सेल्फ इमेज में है, सेल्फ इमेज सेल्फ वर्थ, इसका मतलब कुछ हिस्सा कॉमन है। आइडियल सेल्फ भी इसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि हम जो अपने बारे में अपनी कीमत लगाते हैं, हम जो हमारी इमेज है और जो हम आदर्श रूप में चाहते हैं कि हम हैं या हम हों, वो सब एक दूसरे से ओवरलैपिंग है। Then it is the state of a congruence. जब congruence होगा तो balance होगा, जब balance होगा तो self-actualization होगा, और जब self-actualization होगा तो चीजें बेहतर होंगी। According to Rogers, या आप कह सकते हैं कि बढ़िया personality अपनी निकलेगी। क्यों? क्योंकि हम personality की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Then self-actualization और क्या है? Self-actualization is impossible if these images, especially self-image and ideal self, do not overlap. वो कह रहे हैं कि अगर self-image और ideal self ने overlap नहीं किया तो हमारी कभी भी self-actualization की state नहीं आएगी। This is so-called incongruent view, और इसको हम क्या कहेंगे कि साम्य की स्थिति नहीं बन पाई। And the role of therapist, अच्छा देखिए यहाँ पे आ गया थेरेपी का रोल। हम आगे पढ़ेंगे कि कार्ल रोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंस काउंसलिंग में भी है। देखिए एक बात यहीं पे बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम चीजों को तो कंपार्टमेंट की तरह से पढ़ते हैं, हम ये नहीं उस वक्त लिंक कर पाते हैं कि ये चीजें यहाँ यहाँ क्यों पढ़ाई जा रही है। जैसे कि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते थे तो पढ़ते थे कार्ल रोजर्स, उनकी थ्योरी पढ़ लेते थे, पर्सनैलिटी की पढ़ी हटा दी। फिर हम लोग जब गाइडेंस काउंसलिंग का कोर्स पढ़ते थे सिलेबस, वहां पे भी काउंसलिंग में कार्ल रोजर्स को पढ़ते थे, लेकिन कभी ये यू कैन से लिंक नहीं कर पाए कि क्यों कार्ल रोजर्स यहाँ भी पढ़ाए जा रहे हैं, वहां भी पढ़ाए जा रहे हैं, थ्योरी एक ही है, इतना ध्यान नहीं रहता है, इतना समय नहीं रहता है, ना ही इतनी समझ होती है विद्यार्थी जीवन में, है ना। लेकिन अब आप समझ सकते हैं अगर इसके बाद कि वो थेरेपी की बात की जा रही है, और हमेशा काउंसलिंग में क्या होगी? थेरेपी होगी। क्यों? क्योंकि वो 1-to-1 होता है, वहां पे हम अपने क्लाइंट से बिल्कुल उसके स्तर पर जाकर उसको काउंसिल करना चाहते हैं, गाइडेंस तो एक वाइडर एरिया है, तो थेरेपी पे भी इनका काम है, इसीलिए यहाँ पे थेरेपिस्ट या थेरेपी शब्द आया है। तो वो कह रहे हैं कि जब इनकॉन्ग्रुएंट, यानी कि हमारी जो आइडियल सेल्फ है और हमारा सेल्फ इमेज एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, तो थेरेपिस्ट का जो थेरेपी आपको प्रदान कर रहा है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? इज टू ट्रांसफॉर्म दिस व्यू टू ए कॉन्ग्रुएंट वन। इसका मतलब कि हमको इनकॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट की तरफ जाना है, बोथ बाई एडजस्टिंग पर्सन्स परसेप्शन ऑफ सेल्फ इमेज एंड सेल्फ वर्थ एज वेल एज मेकिंग एन आइडियल सेल्फ मोर रियलिस्टिक। तीन तरीके हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? हम अपनी सेल्फ इमेज के परसेप्शन को थोड़ा एडजस्ट करें, थोड़ा सेल्फ वर्थ को हम एडजस्ट करें, और आइडियल सेल्फ अपनी थोड़ी रियलिस्टिक बनाए, थोड़ी भी यथार्थ के आसपास हो, तब तो वो मैच करेगी ना। हमने आइडियल सेल्फ को इतना उच्चतम स्तर पे पहुंचा दिया है कि वो सेल्फ इमेज और सेल्फ वर्थ के संपर्क में ही नहीं आ पा रही है। तो ये काम थेरेपिस्ट का है। Then the self-actualization process will lead to increasing overlap between these areas and will contribute to person's satisfaction with life. यहाँ पे ये little portion which is overlap, but here
wider portion has been overlapped. Hence, this state is the state of congruence. This state is the state of incongruence. Here, self-actualization cannot take place. Here, self-actualization can take place. And when self-actualization takes place, everything will be fair and good. Okay. Then self. Self के बारे में क्या कहते हैं कार्ल रूजल्स? वो कह रहे हैं कि देखिए ह्यूमनिस्टिक है, मानवतावादी है, तो स्व की बात करते हैं. द सेल्फ इज द ह्यूमनिस्टिक टर्म फॉर हु वी रियली आर एज अ पर्सन. जो हम हैं, जो व्यक्तित्व हम हैं, जो व्यक्ति हम हैं, उसी को स्व का नाम दिया है आपने. और अगर फ्रायड से इनकी तुलना की जाए तो मोटा मोटा लगभग फ्रायड जिसको सुपर ईगो कहते हैं उसी को कार्ल रूजल्स सेल्फ कह रहे हैं. ओके, द सेल्फ इज अवर इनर पर्सनैलिटी. वो भी कहते हैं ना हमारी इनर कंसाइंस है सुपर ईगो, उसी तरह से ये कह रहे हैं द सेल्फ इज अवर इनर पर्सनैलिटी एंड कैन बी लिंक्ड टू द सोल और फ्राइड साइके. देखिए आएगी वो बात कि फ्राइड की साइकी से ये मिलता जुलता है. टू प्राइमरी सोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस अवर सेल्फ कॉन्सेप्ट आर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन बाय अदर्स. हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? हमारे बचपन के अनुभव, जो अनुभव हमको बचपन में मिले और जो दूसरे हमको आंकते हैं, जो दूसरे हमारी वैल्यू निर्धारित करते हैं, उसी से हम अपनी सेल्फ इमेज बनाते हैं. ओके, तो सेल्फ के कॉन्सेप्ट में तीन चीजें आ जाएंगी जो मैंने कहा था अभी आपसे डिस्कस होंगी. सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ. क्या है सेल्फ वर्थ? सेल्फ वर्थ है सेल्फ स्टीम, कंप्राइजेस व्हाट वी थिंक अबाउट अवरसेल्फ्स, यानी कि हम अपने विषय में क्या सोचते हैं वही हमारी कीमत है. रोजर्स बिलीव फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड एंड वर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरेक्शंस ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स. वो कह रहे हैं कि एकदम पूर्व शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में ही सेल्फ वर्थ का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होने लगता है. और कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है? बच्चों का जो पेरेंट्स से जो इंटरेक्शन है उसी से हमारी सेल्फ वर्थ, या हमारी कम्युनिटी से, हमारी लोकैलिटी से, हमारे नेबरहुड से, हमारे रिलेटिव से, वही मिला के हमारा सेल्फ वर्थ बन जाता है. फिर सेल्फ इमेज क्या है? हाउ वी सी अवर सेल्फ, वो है हाउ वी थिंक, वॉट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में और हम क्या देखते हैं अपने आप को, कैसे देखते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ. है हमारी मनोवैज्ञानिक, अगर हमारा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम बढ़िया देखते हैं अपने आप को. सेल्फ इमेज इंक्लूड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अवर बॉडी इमेज ऑन आवर इनर पर्सनैलिटी, यानी इसमें हमारी बॉडी इमेज आ जाती है. बॉडी इमेज अगर सही है तो सेल्फ इमेज ठीक बनती है. सेल्फ इमेज इफेक्ट्स हाउ ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स इन द वर्ल्ड. और इसमें सब कुछ आ जाएगा कि एक व्यक्ति कैसे क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और किस तरीके से बिहेव करता है संसार में, वो सब कुछ हमारी सेल्फ इमेज है. और आइडियल सेल्फ क्या है? दिस इज द पर्सन हु वी वुड लाइक टू बी, यानी कि ये वो कंसेप्ट है, ये वो काल्पनिक रूप है जैसा हम चाहते हैं कि हम हों. इट कंसिस्ट ऑफ अवर गोल्स एंड एम्बिशंस इन लाइफ एंड इज डायनेमिक, दैट इज फॉरएवर चेंजिंग. इसमें क्या आएगा, हम क्या, हमारे क्या लक्ष्य है, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हम क्या बनना चाहते हैं जीवन में, और इसीलिए डायनेमिक है, सतत परिवर्तनशील है, गतिशील है. क्यों? क्योंकि जो हम बचपन में बनना चाहते थे वो हम बाद में नहीं बनना चाहते थे, जो हम अपने यंगर स्टेज में बनना चाहते थे वो हम मैच्योर स्टेज में नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारा ये गोल मतलब चेंज होता रहता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको स्टैटिक ना कहकर डायनेमिक कहा गया है. ओके, तो सेल्फ हो गया. सेल्फ के कॉन्सेप्ट में सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ, ये तीनों चीजें आएंगी. देन आपकी आती है वो थ्योरी जिसकी की हमको बात करनी है कि कार्ल रूजल्स ने पर्सनैलिटी पे कहा क्या है. ये तो ये बात समझ में आ गई कि ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं थे. देन डेविएटिंग फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि जो और स्कूल्स ऑफ थॉट चल रहे हैं, जो विचारधारा चल रही है पर्सनैलिटी पर, जिस पर बात चल रही है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन पर्सनैलिटी प्रपोजेस दैट अवर मोटिवेशंस आर फ्यूल्ड बाई गुड इंटेंशंस विद सेल्फ एफिकेसी एंड ग्रोथ बींग पर्सनल कंसर्न्स. वो कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, वो कह रहे हैं कि जो मोटिवेशन है, जो हमारी मतलब हमको प्रेरणा है ना, वो कैसे, मतलब उसको ईंधन कौन दे रहा है, कौन उसका ड्राइव फोर्स है, तो गुड इंटेंशंस विद सेल्फ एफिकेसी एंड ग्रोथ बीइंग पर्सनल कंसर्न्स, है ना. देन पर्सनैलिटी इज कंसेप्चुलाइज्ड एज अ फ्रेमवर्क डिजाइन टू इनकरेज फुली फंक्शनिंग पर्सन. देखिए कई सारे हमको ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे जो सिर्फ कार्ल रूजल्स ने कहे हैं, जिसमें से एक फुली फंक्शनिंग पर्सन भी है. वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी का जो उन्होंने संप्रत्यय निर्धारित किया है, उसका एक जो ढांचा बनाया है, जो खाका बनाया है, जो ताना बाना बनाया है, उसमें कहते हैं कि वो उस तरीके की होनी चाहिए कि एक फुली फंक्शनिंग पर्सन हमको मिले. फिर अनलाइक बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के विपरीत, ह्यूमनिज्म इज नॉट फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, है ना. व्यवहारवाद क्या कहते हैं, हर चीज जो ऑब्जर्वेबल है, जो बिहेवियर है, जो हम पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमनिज्म एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे फोकस नहीं करता. एंड
अनलाइक द फ्राइडियन अप्रोच, और फ्रायड की अप्रोच से भी विपरीत है. क्यों? क्योंकि वो क्या कहती है, ह्यूमनिज्म डज नॉट एम्फसाइज अनकॉन्शियस वैल्यूज, जबकि फ्रायड सब कुछ अनकॉन्शियस से हमारा गवर्न हो रहा है वो कहते हैं. इंस्टेड ह्यूमनिज्म टेक्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू द इंडिविजुअल, दिस इथिकल कंसर्न्स एंड वैल्यू सिस्टम हिज चॉइसेस एंड हिज इवॉल्विंग नेचर. वो कह रहे हैं कि ह्यूमनिज्म जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच लेता है, मतलब पूर्ण उपागम, एक संपूर्णता के साथ चल रहा है, जिसमें कि उसका इथिकल कंसर्न भी आ जाएगा, उसका वैल्यू सिस्टम भी आ जाएगा, उसकी चॉइसेस भी आ जाएंगी, वो कैसे इवॉल्व कर रहा है एज एन इंडिविजुअल वो भी आ जाएगा. Then his personality theory proposed a self-actualizing tendency as the foundation of personality development. हमने कहा ना कि जैसे ही अगर वो self-actualization की स्टेट पर पहुंच गया, इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी बढ़िया हो गई. Then among the most significant key points of Rogers' approach is its redefining of the therapeutic relationship. देखिए थेरेपी पे इन्होंने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बढ़िया बात की है. इनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट की पॉइंट, हम कह सकते हैं कि जो बिंदु है इनकी थेरी का, वो कह रहे हैं कि हमको थेरेपी का जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा चेंज करना है, रीडिफाइन करना है. रोजर्स इंपैक्टेड द स्कूल ऑफ ह्यूमनिज्म बाय फॉर्मुलेटिंग ए थेरेपेटिक अप्रोच नोन एज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. इसीलिए जब ये इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने एक नया अप्रोच हमको निकाल के दिया, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. फुली फंक्शनिंग पर्सनालिटी में क्या क्या आ जाएगा, कि जो व्यक्ति हो वो ओपन टू एक्सपीरियंस हो, यानी कि वो नए नए अनुभवों से दो चार होना चाहे, एग्जिस्टेंशियल लिविंग पे बल देता हो, अनुभवों पर बल देता हो, ट्रस्ट हो, फीलिंग मतलब विश्वास का स्थिति हो, तभी तो सेल्फ इमेज, इमेज और आपका आइडियल सेल्फ और सेल्फ वर्थ सब कॉन्ग्रुएंस की स्टेट में आएंगे. क्रिएटिव हो, फन फिल्ड लाइफ जीता हो, मतलब इस तरीके की इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो फुली फंक्शनिंग पर्सनैलिटी कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू रोजर्स. फिर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या है? Rogers argued that for the therapist or patient relationship to be effective, it must include an intentional relationship built on mutual trust and respect. ये कह रहे हैं कि जब हमको थेरेपी देनी है, किसी को काउंसलिंग देनी है, तो जो थेरेपिस्ट है और जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसके बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. तभी वो अपने बातें आपसे शेयर करेगा, तभी वो रैपो बिल्डिंग होगी और चीजें निकल कर आएंगी और वो जो भी उसका की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है. अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्चुअलाइजेशन, occurs in response to the therapist's consistent empathic understanding of, acceptance of and respect for the client's frame. देखिए क्लाइंट के फ्रेम से देखना है हमको, अपने फ्रेम से नहीं देखना. अपने फ्रेम से हम देखेंगे तो हमको चीजें हमारे हिसाब से समझ में आएंगी, हमारे हिसाब से समझेंगे तो हम उसको कैसे थेरेपी प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी और एक्चुअलाइजेशन क्लाइंट के हिसाब से करनी है, कि हमको एक तदानुभूति हो जाए उसके संग, एक हम एक्सेप्टेंस हो जाए उसके साथ, एक रेस्पेक्ट हो जाए क्लाइंट के फ्रेम का. देन ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टिव पर्सन सेंटर्ड और रोजेरियन थेरेपी, इसी को हम नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी कहते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड या पर्सन सेंटर्ड एक ही बात है, और रोजेरियन थेरेपी के नाम से भी जानी जाती है. देन देखिए कई सारी चीजें हम लोग जैसे रोजर्स हैं इनको पढ़ के निकल गए, अगर हमने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया कि सेल्फ है, आइडियल सेल्फ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज, इसमें कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होगा तो हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा तो पर्सनैलिटी बढ़िया हो जाएगी, इतने से भी हमारी थेरी का काम चल जाएगा. हमने अब्राहम मैस्लो पढ़ लिया, उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ले लिया, उनकी हायरार्की दिखा दी, सब काम चल जाएगा, हमको हमारे अच्छे नंबर भी आ जाएंगे. लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने बैठते हैं तो कई चीजें, अगर वो हमसे फेनोमिनल फील्ड पूछेगा तो हम कहेंगे हमने तो अपनी थेरी में रोजर्स में पढ़ाई नहीं कहीं फेनोमेनल फील्ड, तो हम कैसे टिक लगाएंगे फेनोमेनल फील्ड को, रोजर्स से कैसे जोड़ेंगे. लेकिन ये चीजें जितनी भी कही गई हैं, इसीलिए उनको मैं कोशिश करती हूँ कि एक लेक्चर में सब साथ में आ जाए, ताकि एटलीस्ट हमसे सवाल गलत ना हो, है ना. तो फेनोमेनल फील्ड क्या है? द रियलिटी वी ऑब्जर्व इज रियली ए प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस. जो कह दिया गया ना कि सब कुछ एकदम परसेप्शन पे डिपेंड करता है, मैं कैसे परसीव करती हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ चीजों को, कोई और नहीं जान सकता. इसीलिए कह रहे हैं कि जो वास्तविकता है वो प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, ये कोई सामूहिक वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेरा अपना प्राइवेट है. द फेनोमेनल फील्ड, इसी को इन्होंने फेनोमेनल फील्ड का नाम दिया है. तो फेनोमेनल फील्ड है क्या? इट इज अवर यूनिक परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने संसार को जिस तरीके से परसीव किया है, जो विशिष्ट तरीके से हमने परसीव किया है. द डोमेन ऑफ सब्जेक्टिव परसेप्शंस दैट मेक्स अप द टोटलिटी ऑफ अवर एक्सपीरियंस. और जो सब्जेक्टिव परसेप्शन, जिसमें हमारा व्यक्ति मतलब कि यू कैन से ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठता जिसमें मिली हुई है ना, जिससे कि हमारे अनुभवों का जो समेकीकरण हुआ है, दिस कंसिस्ट
दिस कंसिस्ट ऑफ परसीव रियलिटी, इसको कहते हैं कि वो वास्तविकता है जिसको हमने परसीव किया है. प्रायोरिटी इज गिवन टू व्हाट ए पर्सन अंडरस्टैंड्स टू बी ट्रू. हमको जब थेरेपी प्रोवाइड करनी है तो हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राथमिकता किसको देनी है, जिसको कि व्यक्ति सही मानता है, व्यक्ति के हिसाब से रियलिटी का परसेप्शन जो है, रादर देन व्हाट एक्चुअली इज ट्रू. ये नहीं कि जो सच है, जो सही है, व्यक्ति ने किसको सही माना है, तब तो हम उससे बात कर पाएंगे, तब हम उससे डील कर पाएंगे, तब हम उसकी कैथारसिस कर पाएंगे, तब हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. काउंसलिंग बिगिंस विद द फेनोमेनल फील्ड इन अकॉर्डेंस टू रॉजर्स. रॉजर्स कह रहे हैं कि काउंसलिंग का मतलब ही है कि पहले आप फेनोमेनल फील्ड में एंटर कीजिए, क्लाइंट के फ्रेम से देखिए, है ना. तो देखिए सब कितना कुछ आ गया इसमें, ऑब्जेक्ट्स आ गए, पीपल आ गए, थॉट्स, इमेजेस, बिहेवियर्स, ये एनवायरमेंट है, लर्निंग हो रही है, यहाँ से इंडिविजुअल को मोटिवेशन मिल रहा है, और ये हो गया फिनोमिनल फील्ड. कॉन्ट्रीब्यूशन, कार्ल रॉजर साहब ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है साइकोलॉजी को. क्लाइंट सेंटर थेरेपी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि हमको क्लाइंट को ये शो करना है कि हम अनकंडीशनली उसके साथ हैं. हमने कोई शर्त नहीं लगाई है कि आप ऐसा करेंगे तब हम ऐसा करेंगे. आप जो भी करेंगे सब सही करेंगे, तभी हम आपके लेवल पे पहुंच पाएंगे और आपसे हम चीजों को निकाल पाएंगे और बता पाएंगे, आपको सही राह दिखा पाएंगे. तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज अ फोरमोस्ट, यू कैन से फाउंडेशन स्टोन ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी. देन इगेलिटेरियन काउंसलिंग रिलेशनशिप्स, रिफ्लेक्शन एज अ थेरेपिटिक टेक्निक एंड काउंसलिंग थ्योरी टू ट्रेन ऑन. आपने हमेशा पढ़ा होगा कि गाइडेंस हम ऐसे भी दे सकते हैं, अनट्रेन पर्सनल भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, पर काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए वी हैव टू हैव ट्रेनिंग ऑफ दैट, है ना. हमको उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तभी हम बढ़िया काउंसलर बन सकते हैं. देन ओके, आई हैव कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक of personality, that is Carl Rogers' theory of personality development. I'm so sorry because I am yawning. कुछ timing गड़बड़ हो गई, I think कि शायद मुझे नींद आ रही है आज. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel and to find this channel in Telegram, scan to join type explore education. Okay, and join Telegram group. When I have completed the concept of personality, then सारा एक साथ matter में text में आपको भेज दूंगी, English में भी और हिंदी में भी Telegram group पे, तो आपको वहाँ से learning material मिल जाएगा. ओके, और आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ क्वेरी है, कोई फीडबैक देना है, तो आप वहां पर दे सकते हैं. ओके, डन फ्रॉम माय साइड.